नमस्ते। अब हम आज एक रिचुअल करने जा रहे हैं मनी रेकी से रिलेटेड, दैट इज़ फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। ये रिचुअल के लिए आप अपने क्लाइंट से फीस भी ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपने क्लाइंट से फीस ज़रूर लें, बिकॉज़ जब तक कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता है, सच हीलिंग्स और सच रिचुअल्स डू नॉट वर्क। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है उस रिचुअल के वर्क करने के लिए भी। बट हाँ, ये है कि आप कोई बहुत अननेसेसरी बहुत हाई फीस नहीं लें, रादर एक एवरेज फीस लें। बहुत लो भी नहीं ज़रूरत है, बट आप एक एवरेज फीस लें उनसे, एक एक्सचेंज करवाएं उनसे, सो दैट उनकी लाइफ में इस चीज़ के, इस रिचुअल का वैल्यू मिले उन्हें। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो भी आपके क्लाइंट हैं वो आपको एक पहले ही आपसे किसी कंसल्टेशन राउंड में या रिटर्न में आपके पास अपना प्रॉब्लम लिखकर भेजेंगे। दैट वुड बी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मनी, वेल्थ से रिलेटेड होगा। ठीक है, एंड ये आपके पास आ गया, बिल्कुल स्पेसिफिक उसे होना चाहिए। शुड नॉट बी वेक, एकदम स्पेसिफिक कि किसको क्या कब तक चाहिए, ऐसा आप स्पेसिफिक उनसे नोट ले लेंगे। ठीक है, अब आपको सबसे पहले उनके लिए मनी रेकी बॉक्स बनाना है। अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे कि हमने अभी सीखा भी था मनी रेकी बॉक्स बनाना, अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो आप उनका स्लिप बनाकर उसमें डालेंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग जो ये रिचुअल है, इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका मनी रेकी बॉक्स। ठीक है, जिसे आप एक स्पेसिफिक इश्यू के लिए करेंगे, इट्स नॉट जनरल, इट्स फॉर स्पेसिफिक इश्यू। जो भी स्पेसिफिक इश्यू उस समय वो रिजल्ट करना, वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, एंड ये इश्यूज आपके फाइनेंस से रिलेटेड ही होंगे, मनी से रिलेटेड होंगे। हो सकता है कि वो कुछ स्पेसिफिक अचीव करना चाहते हो। इट कैन नॉट बी कि हाँ बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए, नॉट बहुत बड़ी। आप उसको स्पेसिफिक करोगे कि मुझे $1 million चाहिए, $10 million चाहिए, मुझे $1 crore चाहिए, 50 crore चाहिए, 100 crore चाहिए, जो भी है उसको आप स्पेसिफाई करोगे या क्लाइंट से स्पेसिफाई करवाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच ये हो सकती है कि आप ये कह सकते हैं कि मेरा बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रो करे, प्रोग्रेस करे, मेरे अपने सारे जितने भी बिल्स हैं, डेब्ट्स हैं, ड्यूज हैं, एवरीथिंग गेट्स क्लियर्ड ऑन टाइम। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले इसमें करना क्या है, स्टेप नंबर वन, उनका नाम लिखोगे आप एक पेपर पर। ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर आप लेंगे, जैसे कोई भी पेपर हो सकता है, उस पे आप उनका नाम लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि आई एम टेकिंग दिस पेपर, मैं ये एक पेपर लेती हूँ एंड इस पर मैं उनका नाम लिख देती हूँ। ठीक है, सपोज इस एलिसा जॉर्ज। ठीक है, मैंने उनका नाम लिख दिया यहाँ पर। अब उनके नीचे मैं उनका स्पेसिफिक इश्यू लिखूंगी, एलिसा नीड्स टू पे रुपीस
इसके नीचे मैंने उनका इश्यू लिख दिया है एलिजा का, कि उनको 10 लाख रुपए ड्यूज में पे करने हैं और उनका बिजनेस कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करता रहे, ग्रो करता रहे, ऐसा करके मैंने यहाँ पर एलिजा का नाम लिखकर नीचे उनका इश्यू लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग रेकी को इन्वोक करेंगे और इस पेपर को मनी रेकी सेंड करेंगे। ठीक है, आपने जो उनका नाम और उनका इश्यू लिखा है उसे आप कंटिन्यूसली मनी रेकी भेजेंगे, विजुलाइज करेंगे, आपके पाम चक्रा से मनी रेकी जाता हुआ उस पीस ऑफ पेपर पे एंड उनकी वो विश को फुलफिल करते हुए। उसके बाद आप इसको फोल्ड करेंगे, छोटा है तो ऐसे का ऐसा रख सकते हैं, अदरवाइज आप फोल्ड करके एंड इसको आप आपके जो मनी रेकी बॉक्स आपने क्रिएट किया है उसमें आप रख देंगे। ठीक है, ऐसे मैंने इसमें ये रख दिया पेपर। ठीक है, ये यहाँ पर, ओके, सो दैट वे हम लोग उनका वो वहाँ पर रख देंगे। एंड ऐसे आप बहुत सारे क्लाइंट्स का भी एक साथ इस मनी रेकी बॉक्स में रख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने जैसे पीछे सीखा था कि मनी रेकी ट्रीटमेंट करना है तो आप क्लाइंट पे आइदर इन पर्सन और फ्रॉम डिस्टेंस हीलिंग आप मनी रेकी ट्रीटमेंट करेंगे, जो हमने सीखा था याद होगा आपको कि कैसे हम रूट चक्रा पे या फिर ओवर द हेड से उनको मनी रेकी ट्रीटमेंट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इशू के लिए आप उनको वो मनी रेकी ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप मनी रेकी बॉक्स में आपने क्लाइंट का इशू डाल दिया है एंड इसको अब एक वीक के लिए आप लीव कर दोगे। ठीक है, एंड एक वीक के बाद अब मनी रेकी बॉक्स को तो डेली हील कर ही रहे हो, एक वीक के बाद आप उनका ये इसमें से बॉक्स में से ये इश्यू निकालोगे और उसको पेपर को डिस्ट्रॉय कर दोगे, बर्न इट एंड इसके एशेज वगैरह कहीं किसी प्लांट में आप डाल दोगे। ठीक है, तो आप इसमें वैसे मनी रेकी बॉक्स में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आप उसमें कोई क्रिस्टल्स वगैरह भी रख सकते हो। ठीक है, तो जब आप इसको डिस्ट्रॉय कर दोगे तो ये उनकी जो विश है वो यूनिवर्स में जा चुकी है एंड बहुत ही जल्दी ये फिर मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक मनी रेकी बॉक्स को और मनी रेकी ट्रीटमेंट को मिक्स करके उनके लिए एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स का रिचुअल कर सकते हैं। यू कैन चार्ज एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर यू वांट टू चार्ज फॉर दिस रिचुअल। ओके, सो इसे प्रैक्टिस कीजिए अपने क्लाइंट्स पर, अपने लिए या किसी के लिए भी आप यूज़ कीजिए एंड उसके रिजल्ट्स जो भी आपको आए, आई विल बी मोर देन ईगर टू लिसन टू यू एंड नो फ्रॉम यू कि आपको कैसे कैसे रिजल्ट्स आए। तो आप सबके हीलिंग्स के इन रिजल्ट्स की वेट में याचना जैन आप सबका इंतज़ार। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग।